शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला से चांदलबाड़ी बनी कठुआ जाने वाली माँ चंडी की 10वीं छड़ी यात्रा से पहले आर्यसपुरा कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो वार्ड नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्णा मंदिर से शुरू हुई और कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए दलजी चौक में पहुंची और उसके बाद शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में जाकर समाप्त हुई। इससे पहले जम्मू कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट की तरफ से श्री राधा कृष्णा मंदिर में शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में इस सम्मान समारोह के दौरान सलाहकार दुष्यंत शर्मा, भाजपा नेता अशोक चौधरी, प्रवीण शास्त्री तथा सूरज प्रकाश पप्पू सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने माँ चंडी की 10वीं छड़ी यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी और कहा कि क्षेत्र में सुख समृद्धि तथा आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए हर वर्ष क्षेत्र से छड़ी यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने यात्रा के संयोजक पंकज शास्त्री, प्रवीण शास्त्री, रवि शास्त्री, पार्षद अशोक कुमार आदि की प्रशंसा की और कहा कि उनके सहयोग के साथ हर वर्ष विशाल यात्रा सफल होती है। मंत ने कहा कि हमें इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जो श्रद्धालु इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं उन पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में हम सबको बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देने की आवश्यकता है और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से एक तरफ जहां युवा पीढ़ी की अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूकता मिलती है तो वहीं अपने धार्मिक स्थलों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मौके पर पंकज शास्त्री ने बताया कि हर वर्ष माँ चंडी की छड़ी यात्रा निकाली जाती है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को सफल बनाने में सभी धार्मिक संगठनों का भरपूर सहयोग मिलता है। इस मौके पर पूजा, मोटन, चंदन, माथुर सहित काफी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। अगर आपने अभी तक जेके खबर 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की तमाम खबरें भी आप देख सकते हैं।